रॉकेट है मेरे ख्याल से, रॉकेट भी नहीं, इनको कुछ है ही नहीं आगे ऊपर पीछे। ये कैसा रॉकेट है, आगे पीछे कुछ नहीं, कहाँ जाएगा ये उड़ के, ये वही रह जाएगा उड़ के। हमें लगा रॉकेट है, पता नहीं यार ये क्या है, ये सिर्फ बत्ती ही बत्ती है। सो आज हम मिले हैं, वी मेट टुडे एंड शी इज फ्रॉम चाइना। जय सिया राम। आज है हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। भगवान सबकी मुरादें पूरी करें, सबको सदबुद्धि दे। तो मुझे काफ़ी विशेज आ रहे थे, तो मैंने भी अपनी फ्रेंड को कॉल किया विश करने के लिए, वो यही ऑस्ट्रेलिया में रहती है। अभी हमारा प्लान कुछ था नहीं पहले, बट अब प्लान बना है हमारा, तो दिए लेने जाने हैं। एंड हमने प्लान बनाया कि हम मिठाई लेंगे, दिए लेके आऊँगी और जलाऊंगी घर के बाहर। यहाँ पे लकड़ी का घर होता है और हम रहते भी रेंट पे हैं, तो इस करके हम ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं, मतलब आग वगैरह का इतना नहीं हम कुछ कर सकते। दिए इसलिए शगुन के तौर पे दिए लेके आएंगे दो चार, एंड साफ सफाई के बाद मैं रेडी होऊंगी। एंड उसके बाद मेरी फ्रेंड का फ़ोन आएगा और मैं जाऊंगी उसके साथ मार्केट, और वहां जाके हम देखेंगे क्या डेकोरेशन हुई है एंड दिवाली पे कैसा यहां पे सजा हुआ है। अभी मेरे रूम का ये हाल हुआ पड़ा है, ठीक है, तो अभी हम करेंगे सफाई, ये देखो, ठीक है। एंड ये जो पंखा है ये दो दिन पहले निकाला था, बिकॉज 40 डिग्री सेल्सियस की धूप थी, गर्मी थी इतनी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ गर्मी का सीज़न शुरू हो रहा है, बट कल रात को हो गई ठंड। अभी यहाँ पे जैसे इंडिया में इस टाइम सर्दियाँ शुरू हो रही है, यहाँ पे इस टाइम गर्मियाँ होती हैं। क्या है कि दो दिन पहले बहुत गर्मी थी, फराटा पंखा निकाल लिया, बट अब कल फिर से ठंड हो गई, तो ये जैकेट पहन के सोना पड़ा। तो कुछ समझ नहीं आता, एक दिन में चार मौसम दिख जाते हैं, अचानक ठंड हो जाती है, अचानक गर्मी हो जाती है, इंसान सोचता है भाई करें क्या, ये सीन है। तो अभी हम रेडी होते हैं, ठीक है। गाइज वेलकम बैक, मैं हो गई हूँ रेडी, और ये देखो मेरा रूम साफ तो हो चुका है, यहाँ मैं बैठी थी अभी थोड़ी देर पहले ही। गाइज कैसे हैं आप, ये देखो मैंने आज सूट पहना है, मुझे आज दिवाली है, तो दीदी मुझे बोल रहे थे कि यार तो सूट पहन ली अच्छा लगेगा। मैं भी सोच रही थी यार आज तो सूट पहनना चाहिए, दिवाली है, तो ये जो सूट है ये मैंने खुद सिया था जब मैं इंडिया में थी, तो मैंने खुद ये सिला था, मेरी मम्मी ने मुझे स्टिचिंग सिखाई है था। एंड अब इसकी चुन्नी मेरे साथ है नहीं, तो दीदी के पास, जिनके पास मैं रहती हूँ, जो ओनर है मेरे, वो दीदी कह रहे हैं मेरी चुन्नी ले ले, बट बात ये है कि उनके पास जो चुन्नी है वो दूसरे रंग की है, मतलब मेरे इस सूट के साथ कोई मैच नहीं हो रही। तो मैं देखती हूँ अब क्या करना है, मैं सोच रही हूँ चुन्नी के बिना इसके ऊपर ना एक स्वेटर है मोती वाला जो मेरी मम्मी ने बनाया है, तो मैं सोच रही हूँ वो वाला जो स्वेटर है इसके ऊपर पहन लेती हूँ, तो चुन्नी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि बाहर ठंड भी है, तो मिक्स सा मौसम है, अचानक ठंड हो रही है, अचानक गर्मी हो रही है, तो देखते हैं अब। तो अभी मैं चलती हूँ, मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है, मैं अभी देखती हूँ पहन के, मुझे जो कम्फर्टेबल लगेगा, अगर चुन्नी तो चुन्नी, अगर चुन्नी नहीं लेनी है तो ऊपर मैं स्वेटर पहन के चले जाती हूँ मम्मी ने जो बनाया है। गाइस स्वेटर मैंने पहन लिया है, मुझे ना बाहर मतलब हवा ठंडी चल रही है, तो जैकेट कोई भी ऐसी है नहीं, काले रंग की जैकेट है, पर वो इस सूट के साथ सूट नहीं करेगी, तो मैंने सोचा मैं ये स्वेटर ही पहन जाती हूँ। एंड बाकी चलते हैं अब हम। ये मेरा रूम सेट हो गया है, एंड यहाँ भी मैंने सेट कर दिया हुआ है सारा कुछ। ये मंदिर है प्यारा सा, छोटा सा पर बड़ा भी है, ये देखिए। तो ये सब सेट हो चुका है, तो ये हो चुकी हूँ, तो मैंने ये पहन लिया ये। सो अब मैं निकलूँगी, आज संडे है तो बसेस लिमिटेड ही होंगी, तो आज मैंने सूट पहना है, तो मेरी फ्रेंड कहती मैं भी पहन लेती हूँ,
तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक मैं पहुंचूंगी तब तक वो सूट पहन के रेडी हो जाएगी, तो हम चलते हैं। निकल गई हूँ घर से और अब मैं बस लूँगी और अपने फ्रेंड के वहाँ जाऊँगी। एक्चुअली मेरी फ्रेंड के घर के पास ही इंडियन शॉप है, तो वहाँ मैं जाऊँगी और वहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड मिलेंगे और वहाँ से कुछ सामान वगैरह ख़रीद लेंगे। एंड फिर वहाँ से आके मैं जहाँ मैं रहती हूँ उनके साथ अगर पॉसिबल हुआ टाइम पे मैं घर पहुँच जाऊँ, बस मुझे बस मिल जाए टाइम पे आते वक्त, तो आके फिर आगे हम गुरुद्वारा एंड मंदिर जाएंगे। यार मुझे बड़ी शर्म आ रही है, मतलब पहली बार मैं सूट पहन के निकल रही हूँ यहाँ पे एंड सारे देख रहे हैं मुझे, जितने भी गोरे हैं ना सारे मुझे देख रहे हैं। मिलते हैं, हम चलते हैं, बस में आने वाली है बस मेरी। अब मैं सूट पहन के खड़ी हूँ तो मुझे सारे देख रहे हैं यहाँ पे। पता क्या होता है कि जो गोरे लोग होते हैं ना, यहाँ का ना हिसाब इंडिया के हिसाब से अलग है। इंडिया में हम क्या करते हैं कि हर इंसान को जो आसपास से हमारे गुजर रहा होता है उसको सिर से लेके पैर तक हम देखते हैं, तो वो कुछ कहते नहीं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे नहीं होता, यहाँ पे गोरे लोगों को अगर आप देखते हो ना तो वो उनको अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं मानते, ठीक है। तो वो आपको पूछ लेंगे कि भाई आप क्यों देख रहे हो, चाहे आप नॉर्मल ही किसी को देख रहे हो, यहाँ नहीं कोई देखता किसी को। जैसे रोबोट होते हैं ना, आसपास क्या हो रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ नहीं पता, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं, लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ना लेना ना देना, तो ये वैसे करते हैं। बट आज मैं सूट पहन के निकली हूँ ना, जितने भी गाड़ी चला रहे हैं वो सारे मुड़ मुड़ के मुझे देख रहे हैं कि भाई इसने क्या पहना हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। इसमें मैं लोगों के रिएक्शन का वीडियो बना पाऊँगी कि नहीं मुझे नहीं पता, बिकॉज़ बिना इजाज़त के हम ऐसे नहीं कर सकते, बाकी नॉर्मली अगर बना पाई तो देख लूँगी। सारे ही देख रहे हैं, मतलब ना सारे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, और मुझे शर्म भी आ रही है और अच्छा भी लग रहा है कि है ना जिस तरीके से लोग देख रहे हैं, मतलब अच्छे वे में देख रहे हैं कि भाई क्या नई चीज़ पहनी है ना। हालांकि इनको पता ही है कि यहाँ पे लोग पहले रहते ही हैं, सूट पहनते हैं, बट फिर भी वो मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। एंड एक चीज़ और बतानी है, जहाँ मैं काम करती हूँ ना वो ऑस्ट्रेलिया की नंबर वन पे सुपरमार्केट है, एंड वहाँ पे कई कस्टमर आते हैं, तो मुझे उन्होंने दो दिन पहले ही बोलना शुरू कर दिया था भाई हैप्पी दिवाली। मैंने कहा आपको कैसे पता, कहते हमें पता है, वो इंटरेस्ट बहुत लेते हैं इंडियन कल्चर्स में ना, तो कहते हमें बहुत अच्छा लगता है। तो कईयों को पता है कि हैप्पी दिवाली होती है तो दिवाली क्यों मनाते हैं, और कईयों को नहीं पता, बट उनको वैसे पता है कि हाँ पटाखे चलते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, स्पेशली कस्टमर ने रुक रुक के हैप्पी दिवाली बोली है, एंड बहुत अच्छा लगा। बस ने बहुत लेट कर दिया है, एक तो वैसे ही संडे है, बसेस एक एक घंटे में आधे आधे घंटे में चलती हैं, अब आ गई है। तो जी ड्राइवर ही देख रहे हैं पहले तो। हेलो, हाँ भैया, आज इतना सूट पहन के हल्का लग रहा है और अच्छा लग रहा है, लाइट लग रहा है। तो अब दूसरी बस पकड़ेंगे हम जो कि आएगी 10 मिनट तक, एंड फिर पहुंचते हैं। देखो मेरी फ्रेंड आ चुकी है। हाँ जी मिलिए, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली जी, हैप्पी दिवाली है। हाँ जी हाँ जी, देखो आज हम कितने टाइम के बाद मिले, और ना कितनी अच्छी लग रही है मेरी फ्रेंड भी, ऑस्ट्रेलिया में सूट चल रहे हैं। चलो आ जाओ। तो आज हम ना इंडियन स्टोर में जा रहे हैं, यहाँ से कुछ सामान खरीदेंगे, और देखो कितना अच्छा सजा हुआ है, ये देखो, ये देखो कितना बढ़िया सजा हुआ है, अच्छा लग रहा है। भीड़ बहुत है यहाँ, ये देखो मिठाइयाँ जलेबियाँ। हम ना ये सब करवा लेंगे मिक्स, पटाखे लेते हैं पटाखे। अच्छा पटाखे ले, चलो चलो फूलझड़ी, फूलझड़ी चक्री चक्री, हाँ चक्री चक्री ये भी लेंगे। क्या प्राइस है इनके, लिखे हैं प्राइस? नहीं प्राइस नहीं लिखे हुए, वो देख वहाँ लिखे हैं प्राइस, वो दिया दिया क्या है। आ जाओ आगे देखते हैं, वो देख चौमुखी दिया है तो है, तो ये भाई अभी हम ना ये देख रहे हैं चौमुखी दिया, पर देखते हैं अगर लेना हुआ बजट में हुआ तो देखते हैं। बाकी ये देखो पीछे कितना अच्छा लग रहा है,
देखो गौ माता हटड़ी, ये मंदिर है और हटड़ी हटड़ी हटड़ी। लक्ष्मी गणेश जी का, और ये गुल्लक भी है यहाँ पे, और ये बत्ती अगर आपने जलानी है तो, और ये वगैरह की अगरबत्ती है ना। ये देखो गणेश जी की दिखा, ये देखो बोल भी, ये ली है मैंने अगरबत्ती चंपा की, हाँ ये इसने ली है चंपा फ्लेवर। यप, ये देखो ये क्या है, काला जामुन, गुलाब जामुन, ये सब पैक पैक में आते हैं पैकेट में। ये रॉकेट है, रॉकेट है मेरे ख्याल से, रॉकेट भी नहीं, इनको कुछ है ही नहीं आगे ऊपर पीछे। ये कैसा रॉकेट है, आगे पीछे कुछ नहीं, कहाँ जाएगा ये उड़ के, ये वही रह जाएगा उड़ के, हमें लगा रॉकेट है, पता नहीं यार ये क्या है, ये सिर्फ बत्ती ही बत्ती है, बत्ती जलेगी आगे। ये कौन सी है यार, यहाँ आलू बम तो जला नहीं ना सकते, पता नहीं होएंगे नहीं फुलझड़ी तो, आलू बम है ना, हमें उठा के ले जाएगी पुलिस यहाँ से। ये देखो कितना अच्छा लगा हुआ है, आज कुछ सुनाई दे, सिंगिंग हो जाए एक स्पेशल मौके पे दिवाली के, ठीक है, साथ बैठे हैं हम, ठीक मैं है तू और संग है मैगी, ठीक है संग है मैगी। तो क्या सुनाऊ मैं, मतलब नहीं हुआ है, कोई रियाज नहीं हुआ, चलेगा तो बिना रियाज के ना मजा भी नहीं आता, बट ठीक है ओके मैं ट्राई करती हूँ। तो दोस्तों मेरी भी कोई प्रैक्टिस नहीं हुई है, काफी महीने हो गए हैं, बट यस मैं बहुत जल्दी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रही हूँ सिंगिंग की यहाँ पे, तो बाकी जैसा भी है जाते हैं।